ओके okay. चलिए तो आज हमें पढ़ना है मेहरगढ़ के बारे में तो मेहरगढ़ जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले मेहरगढ़ की ही खोज की गई थी तो हमने जो ये एविडेंस वाली हमने ये टेबल पढ़ी थी ना इसमें स्टार्टिंग में, में yes. पहले जो जगह दी थी वो थी मेहरगढ़ तो सबसे पहले जो ढूंढी गई जगह थी वो थी मेहरगढ़ हम मेहरगढ़ के बारे में हमें दिया है कि मेहरगढ़ में एक्शन के बाद खुदाई करने के बाद हमारे जो हिस्टोरियन है हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्हें वहां पर क्या क्या देखने को मिला कौन सा चैप्टर बेटा चैप्टर नंबर थर्ड पढ़ना है हमें और इसमें हमें पढ़ना है ए क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़ ओके यस और आपको पता है यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है मोहन जोदाड़ो एक मूवी भी आई थी अभी कुछ टाइम पहले मोहन जोदाड़ो जिसमें ऋतिक रोशन थे शायद। okay. तो हमें इस टॉपिक में ये, उसी के बारे में पढ़ना है कि यहाँ पर खुदाई करने के बाद यहाँ पर हमारे आर्क्योलॉजिस्ट को क्या क्या चीजें मिली है और ये कहाँ पर है ओके okay? तो सबसे ढूंढी गई जगह यही थी जिसकी स्टडी हमारे हिस्टोरियन ने सबसे पहले की थी और यही वो जगह थी जहां पर हमें ये पता लगा था कि यहाँ पर सबसे पहले गेहूं एंड देखिए बाजरा और उगाया गया था एंड भेड़ बकरी एंड गायला तो भी गया था चले तो आज हमें एरिया के बारे में स्टडी करनी है तो मेहरगढ़ में और क्या पता लगा है तो फाइंड मैप पेज नंबर फिलहाल हम देख ही चुके है। हैं चैप्टर नंबर सेकंड में हमें दिया हुआ था ये दिस साइट इज़ लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन एक मिनट बेटा वेट करेंगे आप मैं एक बार इसमें देखिए मेहरगढ़ कहाँ पर है ये ओ oh नो no, फिलहाल ये चला गया है पाकिस्तान में हमारे इंडिया में नहीं रह गया है तो यानी कि जिस एरिया की खोज सबसे पहले हुई थी तो वी आर सो अनलकी कि अब हम इसे चाह कर भी नहीं देख सकते हैं क्योंकि इसे देखने जाने के लिए सबसे पहले हमें पाकिस्तान जाना पड़ेगा चले तो सो साइड फिलहाल हमें पढ़ के ही इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा क्योंकि आज के टाइम पे ये कहाँ चला गया है पाकिस्तान में तो अब हमें पढ़ना है मेहरगढ़ के बारे में कि मेहरगढ़ में क्या था ऐसा तो दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन तो ये एक फर्टाइल पेन है एंड क्यों फर्टाइल प्लेन है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर सिंधु नदी बहती है एंड जो हमारी हिस्ट्री हमें बताती है कि सबसे पहले जो किसान बसने बसे थे जो सबसे पहले किसान बने थे न्यू फार्मर वो सिंधु नदी के आसपास ही बने थे क्योंकि सिंधु नदी ऐसी नदी है जिसकी जानकारी यहाँ के लोगों को सबसे पहले हुई थी बाकी नदियों के बारे में तो हमें बाद में पता लगा सिंधु नदी एक ऐसी yes, नदी थी जिसके बारे में हमें सबसे पहले पता लगाए तो अभी हम जो नेक्स्ट आने आगे आने वाले चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हमें ये भी पढ़ना है कि सिंधु नदी के पास कैसे लोग बने और कैसे वहां पर किंग्स स्टार्ट हो जाते हैं राजा भी बन जाते हैं तो फिलहाल आगे आने वाले चैप्टर हमारे बहुत इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री के चले तो अभी मेहरगढ़ जो कि एक बहुत ही फर्टाइल पेन है क्योंकि सिंधु नदी जो कि पूरी की पूरी इसी जगह से गुजरती है यानी कि इसके आसपास की जमीन बहुत ज्यादा फर्टाइल है तो आप देखिए हमें क्या बताया है ये बोलन पास के पास है बोलन दर्रा जो कि पाकिस्तान में है विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रूट इन टू द ईरान और यही वो रास्ता है जो ईरान तक भी जाता है तो ये जो बोलन पास है ये पाकिस्तान से होकर के ईरान तक भी यही वाला रास्ता जाता है मेहरगढ़ वास प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस वेयर वुमेन एंड मैन लर्न टू ग्रो बर्ले एंड वीट एंड औरत और आदमियों ने दोनों ने मिल करके यहाँ पर खेती करना सीखा था बर्ले एंड वीट की तो अभी मैंने आपको बताया ही था उन्होंने यहाँ पर बर्ले एंड वीट की खेती करना सीखा था और भेड़ और बकरियों को चराना भी शुरू किया था और सबसे पहली जगह थी जहां पर खेती शुरू की गई थी अबाउट और यही वो सबसे पहली जगह है जिसके बारे में हमें पता लगा है तो मेहरगढ़ में ही सबसे पहला गांव है जो जिस गांव की खोज सबसे पहले की गई थी ओके चलिए अब तो अब आगे देखते हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे स्टडी की है यहाँ की तो आर्कियोलॉजिस्ट वो एक्सकेवेटेड द साइट फाउंड एविडेंस ऑफ मैनी काइंड ऑफ एनिमल्स बोर्न फ्रॉम द अर्लीस्ट एवल्स तो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो एक्सकेवेटेड जिन्होंने खुदाई की है इस साइट की एंड वहां पर उन्हें एविडेंस मिले हैं सबूत मिले हैं बहुत तरीके के सबूत कैसे कैसे सबूत एनिमल बोन्स जानवरों की हड्डियां मिली हैं फ्रॉम द अर्टल बहुत पहले के जानवरों की हड्डियां मिली हैं दिस इंक्लूडेड बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड पिग और इसके अलावा उन्हें जंगली जानवरों की भी हड्डियां मिली हैं और इसके अलावा कुछ और जानवरों की भी मिली है तो कौन कौन से जानवरों की हड्डियां मिली है उन्हें मेहरगढ़ में डियर की यानी कि हिरण की एंड पिग यानी कि सुअर तो इन लेटर लेवल्स दे फाउंड मोर बोन्स ऑफ एंड गोट और जैसे जैसे उन्होंने यहाँ की और ज्यादा खुदाई शुरू की तब उन्हें और किसकी हड्डियां मिली हैं पर तो दे फाउंड मोर बोन्स ऑफ शिप एंड गोट तो उन्हें यहाँ पर भेड़ और बकरियों की भी हड्डियां मिली हैं एंड इन स्टिल लेटर कैटल बोन्स आर मोस्ट कॉमन और उसके बाद, बाद और बाद के टाइम पे जब उन्होंने और खुदाई शुरू की तब उन्हें किसकी हड्डियां मिली हैं तो अब देखिए इन्होंने क्या बताया फिर कैटल बोन्स तो यानी कि बताया इन्होंने बताया है हमें आर्कियोलॉजिस्ट ने कि सबसे पहले यहाँ के लोगों ने डियर एंड पिक को पाला होगा एंड उसके बाद उन्होंने शिप एंड गॉड को भी पालना शुरू किया होगा एंड उसके बाद कैटल को भी पालना शुरू किया होगा क्योंकि इनकी हड्डियां हमें मिली है खुदाई करने के बाद एंड दिस वॉज द एनिमल दैट वॉज जनरली कैप्ट बाय द पीपल और यही वो जानवर रहे होंगे जिन्हें यहाँ के लोग पालते होंगे चलिए तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कैसे बता दिया हमें कि सबसे पहले कौन से जानवर को पाला बाद में किसको किसको पाला पाला बाद में यस yes, तो अब हमें देखिए बताया है अर्लियर एंड लेटर लेवल उन्होंने कैसे कंसीडर कर दिया तो कैसे बता दिया उन्होंने कि अर्लियर लेवल होता था या लेटर लेवल होता था तो देखिए हम क्या कैसे बताते हैं ये लोग हमें अब आप सभी को ध्यान से सुनना है तो वेन आर्क्योलॉजिस्ट आर डिगिंग एट एन यही पूछा है कि जब हमारे किसी भी साइट की तो हाउ डू दे नो उन्हें कैसे पता लग जाता है की विच लेवल इज अर्लैंड तो कैसे पता लगा पाते हैं वो की कौन सी हड्डी पुरानी है कौन सी नई है कैसे पता लगाया उन्होंने यस मैं मैम जो जो सबसे पहले उन्होंने पाला होगा जब वो मर गया होगा तो उन्होंने उसे जमीन में गाड़ दिया होगा yes. और फिर जैसे जैसे उन्होंने दूसरे को पालना शुरू किया जहां पर उन्होंने गाड़ा था उस पे और मिट्टी आई और वो बहुत नीचे तब गई यस एंड फिर दूसरे को पाला होगा चलिए तो अभी फिलहाल देखते हैं महक आ, सही समझ पा रहे हो आप या नहीं तो अभी हम जब टॉपिक पढ़ लेंगे ना तो हमें क्लियर हो जाएगा फिलहाल आप ठीक बता रहे हैं चलिए तो देखिए स्टार्ट करते हैं कैसे पता लगता है उन्हें तो हमें यहाँ पर एक रेखा चित्र दिया है एक एलोस्टेशन दैट मीनस की एक डायग्राम दिया है पैटर्न वाला इसके थ्रू हमें समझाया है सपोज पीपल फर्स्ट स्टार्ट लिविंग ऑन द फ्लैट लैंड तो आप देखिए आप लोग इमेजिन करिए सबसे पहले आप फ्लैट एरिया पे रहते थे ओके

तो अब देखिए यहां पर हमने इस जमीन को उबड़ खाबड़ कर दिया है चलिए तो बाकी क्या होता है तो अब यहाँ पर जब लोग रहते होंगे तो उन्होंने वेस्ट को भी फेंक दिया होगा यहाँ पर दबा दिया होगा उसे जमीन के नीचे एंड जनरली स्टे एंड रीबिल्ड हाउसेज इन द सेम प्लेस फिर क्या हो गया होगा उनका जब घर टूट गया होगा फिर उसी जगह पर दोबारा घर बना दिया होगा आफ्टर हंड्रेड ऑफ ईयर्स अब अगर हम इमेजिन करें यहाँ पर सौ साल बाद

क्या हुआ अब यहाँ पर कोई और लोग आके रहेंगे यहाँ पर फिर से घर बनाएंगे जो पहले वाली थी वो तो जमीन के नीचे दब गई दूसरे फिर दूसरे फिर लोग आएंगे घर बनाएंगे रहेंगे पर फिर जानवरों को पालेंगे उनके घर टूट जाएंगे किसी वजह से वो भी जमीन के नीचे दब गए अब क्या होता है फिर तीसरे लोग आएंगे फिर उसी जगह घर बनाएंगे और फिर वो चीजें नीचे जमीन में दब जाएंगी तो आप देखिए होता क्या है हमारे हिस्टोरियन कैसे पता लगा पाते हैं तो देखिए सबसे पहले सपोज दैट उन्होंने यहाँ की खुदाई की क्योंकि डायरेक्टली कोई नीचे से खुदाई करके नहीं निकाल पाएगा है ना यस yes, मैम तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ की खुदाई की और जो चीजें उन्होंने यहां से निकाली तो यानी कि वो क्या हो गई वो हो गई लेटर पीरियड की बाद वाले टाइम की सबसे बाद वाले टाइम की क्योंकि सबसे नया तो यही होगा फिर क्या होता है जब उसके नीचे की खुदाई करेंगे यानी कि वो उससे पुराना है तो यहाँ पर सेकेंड से खुदाई करने के बाद इन्हें जो भी मिलेगा यानी कि सबसे नया ये है और इसके बाद जो नीचे मिलेंगी वो इससे पुरानी हो जाती है फिर इसके भी नीचे जब वो खुदाई करेंगे यानी कि थर्ड लेवल पे तो अब जो चीजें मिलेंगी वो इससे भी ज्यादा पुरानी होंगी एंड जो सबसे नीचे आएंगी यानी कि वो सबसे पुरानी है जो सबसे पहले लोग यहाँ पर थे ओके तो yes, ऐसे ही हमारे हिस्टोरियन ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी चीजें कौन से लेवल की हैं कौन से लेवल की हैं कौन सी चीजें कितनी पुरानी हैं और कितनी नई है और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ये बताया हमें कि यहाँ के लोग सबसे पहले उन्हें डियर एंड पिग के अवशेष मिले इनकी हड्डियां मिली उसके बाद वाले लेवल में किसकी मिली है शिप एंड गॉड की एंड उसके बाद वाले लेवल में किसकी मिली है कैटल्स की तो यानी कि उन्होंने क्या बताया सबसे पहले डियर एंड पिग पिक को रखते होंगे उसके बाद उन्होंने शिपोन गॉड को रखना स्टार्ट किया और उसके बाद फिर कैटल को भी रखना स्टार्ट कर दिया ओके? Okay? चलिए तो इतना समझ आ गया सभी को यस मैम। ओके देखिए अब नेक्स्ट पे आते हैं अब अब हमें यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग सी चीज बताई है कि यहाँ के मेहरगढ़ के लोग जब मर जाते थे तो उनके साथ क्या किया जाता था तो देखिए अब क्या दिया है हमें यहाँ पर अदर फाइंड सेट मेहरगढ़ इंक्लूड ऑफ़ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाउसेस के अवशेष मिले हैं टूटे हुए घर यानी कि यहाँ के लोग इस टाइप के घर बनाते थे स्क्वायर टाइप में चले तो अब आगे क्या होता है ईच हाउस है मोर कपा कंपार्टमेंट समीन यूज फोर स्टोरेज अब देखिए इसमें ये अलग अलग कंपार्टमेंट होते थे अलग अलग विभाग होते थे यहाँ पर चीजों को स्टोर करके रखते थे वो वेन पीपल डाय और जब लोग मर जाते थे their relatives and friends, तो उनके उनके रिश्तेदार और जो दोस्त होते थे जनरली पे रिस्पेक्ट टू दैम वो उनको सम्मान देते थे और सम्मान देने के लिए क्या करते थे पीपल लुक आफ्टर दैम पर बिलीफ दैट इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर दैट Uh, देखिए तो ये देखिए कैसे सम्मान देते थे ये मरते टाइम ही नहीं मरने के बाद भी ख्याल रखते थे कैसे ख्याल रखते थे अब इसका एक एग्जाम्पल दिया है हमें बरियल इज वन सच अरेन्जमेंट जो यहाँ पर बरियल साइड थी दफनाने की प्रक्रिया वो भी बहुत डिफरेंट तरीके की थी तो सेवर बरियल साइट्स यहाँ पर जो अलग अलग बरियल साइट्स मिले हैं जहां पर दफनाया जाता था लोगों को हैव बीन फाउंड दैट मेहरगढ़ तो मेहरगढ़ में बहुत सी ऐसी जगह मिली है इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वाज बर्डेड विद गॉड्स और देखिए इसका इसमें एक चीज हमें क्या बताई है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसको दफनाने के साथ-साथ उसके साथ एक बकरी को भी जिंदा दफनाया दिया जाता था तो ये बुरियल yes, साइट से हमें हर आ, किसी ह्यूमन बींग गॉड की भी बोन मिली है अब वो लोग ऐसा क्यों करते थे आप लोग बता सकते हैं ऐसा क्यों करते होंगे वो मैमोह की परंपरा होगी परंपरा होगी चलिए तो आगे देखते हैं यस मह आपको क्या लगता है चले तो अभी हमें आगे दिया है देखते हैं क्यों दिया था तो ये लोग ऐसा क्यों करते थे तो डेड पर्सन को एक जिंदा बकरी के साथ क्यों दफना दिया जाता था विच वर्बे टू सर्व एस फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड तो ऐसा इसलिए किया जाता था कि जो इनके रिश्तेदार होते थे जो मित्र होते थे वो ये सोचते थे कि हमारा रिश्तेदार मर गया है उसकी डेथ हो गई है तो वो दूसरी दुनिया में जा रहा है तो वहां पर जाकर के भूखा ना रहे और इसीलिए बकरी को उसके साथ दफनाया जाता था और मैंटेलिटी ये थी कि अगर हम बकरी को रखेंगे इसके साथ तो बकरी की आत्मा भी साथ में जाएगी और वो वहां पर जाकर के बकरी का दूध और बकरी का मांस खाने के लिए यूज कर सकता है यस okay? मैम yes, okay. yes, yes. तो ये देखिए यहाँ पर बताया है तो ये जो बकरी है वो क्या करेगी सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड दूसरी दुनिया में भी इस व्यक्ति को जो मर गया है उसे फूड प्रोवाइड करेगी उसे फूड देती रहेगी तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता था एक डेड पर्सन के साथ एक बकरी को भी एक गॉड को भी जिंदा दफना दिया जाता था ओके यस मैम यस मैम चलिए तो यहाँ पर पिक्चर भी है अब आपको ये बताना है इसमें से कि जो ये स्केल्टन है दोनों इसमें से गॉड का कौन सा है जैसे दिख रहा है स्कैल्टन यस मैम यस मैम इसमें बकरी में कौन sir, सा होगा ये डार्क ब्लैक वाला या ला, लाइट ब्लैक वाला मैम डार्क ब्लैक वाला ये आई थिंक यही बकरी है यस yes, मैम इसका मैं शरीर देखिए यस तो इसका स्केलेटन फिलहाल यही बकरी है और ये ह्यूमन बीइंग है तो इसके साथ बकरी को भी दफना दिया गया है बेचारी जिंदा थी लेकिन अब दफना देने excuse. के बाद तो ये भी मरी जाएगी चलिए तो यहाँ पर जैसे दत्वी मैम हमारे बुक में नहीं है ये आ, बेटा सारी बुक में है लेकिन ये जो भी न्यू एडिशन आई है ना इसमें ये सारी चीजें सारे चैप्टर में मिक्सअप करके दे दिए हैं ये आपके बुक में होगा लेकिन थर्ड चैप्टर में नहीं किसी और चैप्टर में होगा चलिए तो अब हमें किसके बारे में पढ़ना है दाऊ जाली हेडिंग अब एक और जगह है दाऊ जाली अब ये देखते हैं क्या ये भी इसमें दिया था हमें स्टेबल में नहीं दिया है चलिए तो अब हमें इस जगह के बारे में पढ़ना है कि यहां पर क्या हुआ था और हमें इसका नाम क्यों दिया भाई तो ये देखिए दाउज अली हैडिंग फाइंड दाउज अली हैडिंग ऑन मैप टू पेज नंबर फोर्टीन तो एक बार दोबारा आते हैं पेज नंबर फोर्टीन पेज यानी कि चैप्टर नंबर सेकेंड एक मिनट पहले इसके बारे में पढ़ते हैं देखते हैं तब भी कहां पर है ओके यस यस चैप्टर नंबर सेकंड है कहा मैप में हम ये रहा तो फिलहाल ये हमारे इंडिया में ही है अभी तो देखिए अभी हमें इसके बारे में क्या बताया है यस yes. तो दिस इज द साइट ऑन हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्र वैली तो ये एक पहाड़ी इलाका है जो ब्रह्मपुत्र वैली के पास है क्लोज टू रूट लीडिंग इन टू चाइना एंड म्यांमार एंड इनका जो रूट है इनसे रास्ते कहाँ होकर के जाते हैं एक रास्ता जाता है चाइना तक और दूसरा म्यांमार तक जाता है हे स्टोन टूल्स इंक्लूडिंग मोटर एंड पेस्टल है और ये ऐसी जगह है दाऊजाली जहां पर हमें सबसे पहले स्टोन टूल्स मिले थे एंड मोटर एंड पेस्टल मैंने आप, आपको लास्ट क्लास में बताया था ओखली तो ये भी हमें यहाँ पर मिली है सबसे पहले एंड दिस इंडिकेट ग्रेन एंड प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम इट तो यानी कि इससे हमें ये पता लगता है कि यहाँ के लोग जरूर अनाज भी उगाते रहे होंगे और उन्हें खाना पकाना भी आता होगा अदर फाइंड इंक्लूड जेडेट स्टोन दिट मे है यहाँ पर जेडाइट एक पत्थर भी मिला है एक ऐसा स्टोन हैव बीन दिट फ्रॉम चाइना जो चाइना से लाया गया रहा होगा क्योंकि इस टाइप के पत्थर चाइना में मिलते हैं तो इस जगह पर इसलिए मिले हैं क्योंकि अभी हमें बताया है दाओ जाली से होकर के जो रूट जाता है जो रास्ता है वो चाइना तक और म्यांमार तक जाता है तो यहाँ से ये जो जजेट ज़ड़े, जडेट नाम का जो पत्थर मिला है ये हमें इसलिए मिला है क्योंकि चाइना से लाया गया रहा होगा अब यानी कि पहले के टाइम पे चाइना से लाने का मतलब कौन उठा के लाया होगा उस पत्थर को यस yes, तो चलिए में से कोई बताएगा नहीं पता इस पत्थर को अगर चाइना से लाया गया देखे। है, देखे। तो लोग कैसे ला, लाए गए लाए होंगे इसे चाइना से, से? देखिए चाइना हमारे गाड़ियों में मैम जो पॉट वोट बनाते हैं तो बेटा यही तो आपसे पूछा है कैसे लाए होंगे वो बेल गाड़ी से। पैदल, पैदल पैदल गाड़ी नहीं होती थी उस समय पुरानी टाइम पे गाड़ी कहाँ होती थी अभी हमने किसी भी चैप्टर में नहीं पढ़ा बिचारों ने बै, बैलगाड़ी गाड़ी तक नहीं बनाई थी यस तो कैसे लाए मैं होंगे मैं लाए वो इस पत्थर को अपने सर पे उठा के बेटा जहाज भी नहीं था उस समय नाव भी नहीं थी पानी से बेटा वो टूल्स बनाना ही सीख रहे थे तो कैसे वो तुरंत जहाज बना लेते जहाज बनाने के लिए तो टेक्निक चाहिए ना? Yes. चलिए मैं आपको बताती yes, हूँ yes. कैसे लाए होंगे वो तो अभी हमने पढ़ा था कि इन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया था यस पढ़ा था ना yes, तो हमने जानवरों yes, तो के साथ साथ गए होंगे चाइना घूमने और उन्ही जानवरों की पीठ पर रख करके वो उठा करके लेके आ गए होंगे चलिए yes, तो अभी हमें देखते हैं क्या हमें बताया है इसके बारे में कैसे लाया गया ये चलिए तो ये चाइना से लाया गया था एल्सो कॉमन आर फाइंड ऑफ टूल्स मेड ऑफ फॉसल वुड तो ये जो वुड है ये जो जेडेट है ये एक लकड़ी की तरह लगता है एक फॉसिल वुड की तरह एंशियंट वुड दैट हैज हार्डन इनटू स्टोन और ये जो वुड है जिस जिस वुड के बारे में हमें बताया है ये जेडाइड पत्थर जो है ये एक लकड़ी की तरह लगता है दिखने में और ऐसी लकड़ी जो बहुत ज्यादा हार्ड होती है इतनी ज्यादा हार्ड कि एक पत्थर की तरह होती है एंड इसका इस्तेमाल पॉटरी के रूप में बर्तन बनाने में भी किया गया है तो फिलहाल हमें नहीं बताया है कि कैसे लाए होंगे ये लोग अब देखते हैं एक बार इसमें क्या दिया है हमें एल्सवेयर फाइंड तुर्की इन योर एटलिस तो तुर्की अपने एटलस में आपको ढूंढना है आप मैप में देखेंगे तुर्की कहाँ है वन ऑफ़ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट ये एक नियोलिथिक साइट है जहां पर पत्थर के औजार बनाए गए थे कैटल तुर्की सेवरल थिंग्स वर ब्राउड फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेज अब देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत दूर से लाई गई थी फ्लिंट फ्रॉम सीरिया अब फ्लिंट पत्थर जो है ये सीरिया से लाया गया था रेड सी लाल सागर से लाया गया है सेल्स यानी कि जो सेल होती हैं जो हमें समुद्र से मिलती हैं इसे मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर से लाया गया है एंड यूज इन द सेटलमेंट रिमेंबर अब आप देखिए अब फिलहाल ये वाली बात हमें यहाँ पर बताई गई है कि ये लोग पत्थर कैसे लाए गए होंगे तो रिमेंबर देर आर नो कार्ड आपको पता ही है कि उनके पास बैलगाड़िया नहीं थी मोस्ट थिंग्स वुड है बैक ऑफ सच कैटल बाय पीपल तो जितनी भी चीजें हैं वो कैसे लाई गई होंगी कैरियड ऑन द बैक ऑफ पैक ऑफ एनिमल्स तो जो एनिमल होते थे उनकी पीठ पर रख करके ये चीजें एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती थी तो इसे कौन लेके जाता था या तो कैटल या फिर कभी कभार जो आदमी लोग होते थे वो अपने पीठ पे खुद ही उठा लाते थे अगर ज्यादा दूर नहीं होता था तो ज्यादा दूर होता था तो ये क्या करते थे अपने जो कैटल होते थे जो अपने जानवर होते थे उनकी पीठ पर रख करके फिर लेके आते थे ओके okay? yes, तो समझ आया सभी को yes, अब नेक्स्ट क्लास में हमें क्या yes, करना है नेक्स्ट क्लास में हम सभी को क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हैं yes, बेटा मैंने आप लोगों को वोकेब्लरी सेंड की थी अभी तक होमवर्क सभी बच्चों का नहीं आया है तो आप सभी को राइट vocabulary... वोकैब्लरी no, right तो बेटा उसे सेंड भी तो करना है अभी मैं अब जब आप सभी yes, को होमवर्क आ जाएगा तभी मैं हिस्ट्री की वर्ड मीनिंग तभी सेंड करूंगी ओके, okay? yes, तो यस like yes, आप सभी को ना, आज अपना होमवर्क जो पिछला वाला है उसे सबमिट करना है सभी को ओके यस यस मैम, मैम। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हमसे हम एक बार आज देखते हैं जितना टाइम है उतना डिस्कस करते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वाई डू पीपल वो ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम तो देखिए अब हमसे क्या पूछा है कि आपको क्या लगता है कि जब लोगों ने खेती करना सीख लिया तब उन्हें एक जगह पर ज्यादा दिनों तक क्यों रहना पड़ा यस yes, आता है आपको इस क्वेश्चन का आंसर यस मैम यस महक वैन When people grow crops, then uh, he has to live where well for a long time to care of his crop from, from birds and animals and and care of his and care from birds and animals. Okay so and they okay. give water. इस क्वेश्चन का आंसर दिया है स्टार्टिंग में यस yes, तो जब जानवरों ने खेती करना सीख लिया तब उन्हें अब एक सॉरी जानवरों ने इंसानों ने ने सीखा है यस yes, तो जब ह्यूमन खेती करना सीख लिया तब उन्हें अब एक जगह ज्यादा टाइम तक सेटल होके क्यों रहना पड़ रहा है यस yes. तो क्यों रहना पड़ रहा है तो हम सभी ने नोटिस किया है कि जब भी कोई फसल ग्रो करती है तो उसे कुछ दिन कुछ महीने या कुछ साल लग जाते हैं

एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली और जब तक की फसल पक नहीं जाती और उसकी कटिंग करके उसको संभाल के रख नहीं लिया जाता तब तक उसको छोड़ करके कहीं भी नहीं जाया जा सकता है और इसीलिए जब अर्ली ह्यूमन बीइंग्स ने फार्मिंग करना सीख लिया खेती सीख ली तब उन्हें क्या करना पड़ा एक ही जगह रहना पड़ा सेटल होकर के चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है

जेस yes, बेटा देखिए हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था ना तो हमें नई नुओं के बारे में बताया था नई नुओ का लंच तो इसका yes, इसके फेवरेट फूड है बॉइल्ड राइस उसको उबला हुआ चावल पसंद है बिरयानी नहीं पसंद है तो अगर इसका उबला हुआ चावल खाने का मन करे तो ये कौन सी जगह जा सकती है मैम अब तो सब जगह होने लगा ये तो आपसे पहले के टाइम पे पूछा है ना कि पहले के टाइम पे कहा जा सकती थी अगर इसका चावल तो तो नहीं करता तो इसका आंसर अरुण बताएंगे यस अरुण नाउ यू टेल मैम येसर मैम मैम क्वेश्चन एक बार और बोल दीजिए बेटे देखिए दि, बेटा आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि अगर नई नुओ का चावल खाने का मन करता पहले के टाइम पे तो वो कहाँ जा सकती थी जैसे हमें बताया है ना कि कहाँ पर लोगों ने चावल की खेती करना सीख लिया था तो वो कौन कौन सी जगह जा सकती थी अगर उसका चावल खाने का मन करता तो मैम उत्तर प्रदेश यस yes. एंड And... बिहार एंड और कहा जा सकती थी वो मैम महाराष्ट्र देखिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है यस वेरी गुड अरुण देखिए अब हमें कहाँ पर दिया हुआ है कहाँ से चावल के अवशेष मिले हैं तो फर्स्ट इज मेहागारा यानी कि उत्तर प्रदेश जा सकती थी वो दूसरा और कहाँ पर मिला है हमें राइस मैम, yes. मैम यस। कोल्डी कोल्डी हवा। हवा में ये रहा। तो कोल्डीवा जा सकती थी यानी कि उत्तर प्रदेश तो अब वो यहाँ पर जाने के बाद अगर वो चली जाती ना तो उसे चावल खाने को फाइनली मिल जाता तो अगर उसका चावल खाने का मन करता तो वो कहाँ कहाँ जा सकती थी या तो मेहागरा या फिर कोलडीहवा इन दो जगह फिलहाल और कहीं पर लोगों ने चावल की खेती करना नहीं सीखा था ओके okay? yes, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे क्या पूछे तो व्हाई डू आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट मैनी पीपल वीव इन मेहरगढ़ वर हंटर्स टू स्टार्ट विद एंड दैट हर्डिंग बिकम मोर इंपॉर्टेंट लेटर तो अब जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो मेहरगढ़ में रहते थे टू स्टार्ट विद एंड हर्डिंग बिकम मोर इम्पोर्टेंट लेटर तो स्टार्टिंग में वो लोग हंटिंग करते थे यानी कि जानवरों का शिकार करते थे और बाद में ये लोग हर्डिंग करने लगे जानवरों को पालने लगे तो ऐसा उन्होंने क्यों yes, कहा किसी को इसका आंसर no. No चलिए तो अभी इसको डिस्कस करते हैं देखिए अभी हमें मेहरगढ़ के बारे में बता था, बताया था ना तो जब फर्स्ट लेवल यानी कि सबसे निचले वाले लेयर की खोज की गई थी तब हमें क्या मिला था कि सबसे पहले किसके अवशेष मिले थे यहाँ पर डियर एंड पिग जो कि जंगली थे तो जंगली जानवरों को कोई नहीं पालता है तो यानी कि यहाँ पर सबसे पहले शिकार करते थे वो लोग और इसलिए हमें सबसे नीचे नीचे वाले ले, लेयर पे डियर तो एंड जंग वाइल्ड पिग की हड्डियां मिली हैं ओके एंड उसके बाद फिर ये लोग क्या करने लगे इन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया क्योंकि इसके बाद जो हमें अवशेष मिले हैं सेकेंड लेवल एंड थर्ड लेवल से वो वाइल्ड एनिमल के नहीं है और साथ ही हमें ये भी बताया है कि इसके बाद शिप एंड गॉड एंड उसके बाद कैटल यही बताया था ना तो यानी कि अब ये लोग पालतू जानवरों को रखने लगे और इसलिए अब ये शिकारी नहीं रहे अब अब ये क्या बन गए हैं हर्डर्स तो हमें इसी हाँ पे पता लग जाता है कि पहले ये लोग शिकार करते थे लेकिन आगे चलते चलते इनका हृदय परिवर्तन हो गया इनका माइंड बदल गया और इन्होंने जानवरों के साथ प्यार करना शुरू कर दिया और अब ये क्या बन गए शिकारी से जानवरों को पालने वाले ओके <laughs> चलिए तो बेटा अब नेक्स्ट क्लास में आज का फिलहाल टाइम ओवर हो चुका है और नेक्स्ट क्लास में हम सभी इस पूरी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे ओके यस चलिए तो आज के लिए इतना ही किसी को कोई डाउट नो मैम ओके बेटा तो आज के लिए इतना ही एंड वंस अगेन मैरी क्रिसमस टू ऑल टू ये बेटा गुड बाय एवरी वन गुड बाय